नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को भी अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने जो फोटोज़ इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखी हैं उसमें दोस्तों जो ऑडियो है वो अनअवेलेबल यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है अगर, तो हम इसको कैसे अवेलेबल करेंगे यहाँ पर, कैसे यहाँ पर हम जो सॉन्ग दोबारा से ऐड करेंगे, ऑडियो जो हमारा डिलीट हो चुका है, जो हट चुका है, उसको हम कैसे वापस लाएंगे, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों एक ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे इस फोटो के साथ हुआ था। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे को जब ये प्रॉब्लम मिला था ऑडियो अनअवेलेबल वाला, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और इसको मैंने किस तरीके से फिक्स किया, किस तरीके से यहाँ पर मैंने दोबारा से इसमें जो है कि म्यूज़िक ऐड किया है, तो वो सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है, तो आपका भी ये प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे चल करके यहाँ पर ये देखना है कि इसमें कोई अपडेट तो नहीं आ रखा है इंस्टाग्राम में। अगर कोई अपडेट आया हो तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी नहीं सही होता है तो आपको करना है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये इंस्टाग्राम है। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग में चलेंगे, ठीक है। वहाँ पर इंस्टाग्राम को ढूंढेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आना है, ऐप्स में क्लिक करना है, सी ऑल ऐप्स के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम को ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंस्टाग्राम है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे स्टोरेज कैच का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच आपको कर देना है, ठीक है। और दोस्तों क्लियर स्टोरेज करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो आईडी है उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और यूज़र नेम याद होना चाहिए, नहीं तो जब आप यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपको लॉगिन करने में बाद में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के बाद फिर देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो दोस्तों एक बार इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है, या फिर आप अपने मतलब फैमिली में जो दूसरे फ़ोन हैं वहाँ पर आपको जो कि दूसरे फ़ोन में अपना आईडी लॉगिन करना है। जिस एप्लीकेशन में मान लो अगर आपके फैमिली में या फिर आपके पास जो दूसरा फ़ोन है उसमें जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें अगर ये म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन आता है और म्यूज़िक वापस आ जाता है तो आप उसमें एक बार लॉगिन करके देखिए कि अब वहाँ से सही हो रहा है। अगर उसमें भी अगर म्यूज़िक नहीं शो कर रहा है आपकी फ़ोटो पर तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो 101% फिक्स हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो अभी इस समय यहाँ पर इसमें म्यूज़िक लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसमें क्लिक करके म्यूज़िक सुन सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं सुनना चाहूँगा क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए म्यूज़िक नहीं सुना सकता हूँ। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो तीन लाइन देखने के लिए मिलती है इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे कि आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक हेल्प वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे फिर से क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपके जिस भी फोटो के साथ मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिस भी पोस्ट के साथ, ठीक है दोस्तों, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना होगा, एक लिंक मैंने दे रखा है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये एक नोट्स आपको दे रहा हूँ जो कि आपको लिखना है, आपको सेम टू सेम यही लिखना है जो चीज़ यहाँ पर मैंने इसमें लिख रखी है, बिल्कुल आपको यही कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्ट लिंक और यूज़र नेम डालना होगा, जिस भी आपके पोस्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है मतलब जिस भी फोटो में आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है उस फोटो का लिंक यहाँ पे देना है और नीचे अपना यूज़र नेम दे देना है, ठीक है। तो अभी चलिए इसको हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम कॉपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ये कॉपी हो चुका है। और दोस्तों कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे दोबारा से इंस्टाग्राम में आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा मैसेज है, जो नोट्स है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट लिंक लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दोस्तों देना पड़ेगा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मेरा जो पैराग्राफ है थोड़ा लंबा हो गया है,
तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर सब चीज़ आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो ये आ चुका है यहाँ पे। अब आपको करना है कि यहाँ पे पोस्ट लिंक में जो है कि आपको अपने उस फोटो का लिंक देना है, लिंक कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है। जो भी यूज़र नेम है, जिस भी आपके आईडी में प्रॉब्लम आ रहा है उस आईडी को यहाँ पे डालना है, और जितनी भी फोटोज़ में आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है उनका आप यहाँ पे फोटो मतलब लिंक डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैंने लिंक डाला, उसके बाद दूसरे में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट लिंक और इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लिंक पेस्ट कर देना है ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिंक लिखा है तो यहाँ पर आपको लिंक डाल देना है ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ठीक है। इस तरीके से आपको लिंक्स डाल देना है जितने भी आपको फोटोज़ में आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है, और यहाँ पे यूज़र नेम देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके उनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो अभी चलिए यहाँ पे लाइव आपको करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो मेरा फोटो है इसके साथ अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है 3 डॉट पे और यहाँ पर आपको लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लेना है ठीक है दोस्तों। लिंक कॉपी करने के बाद अब ये जो वाला जो मैसेज है इसको आप किसी अपने नोट्स वाला जो एप्लीकेशन होते हैं नोट्स वाले वहाँ पर जाकर के इसको एडिट कीजिएगा और वहाँ पर ये जो पोस्ट लिंक लिखा हुआ है इसके सामने उस लिंक को डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों फिर आप इसको कॉपी करके आप इंस्टाग्राम को भेज सकते हो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मेरे फ़ोन में अभी एक मेरे पास है वो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर ये वाला। तो इसके अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डाला, अब यहाँ पे जो पोस्ट लिंक लिखा हुआ है यहाँ पर हमें वो लिंक डालना होगा ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया लिंक, पोस्ट लिंक ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट लिंक डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इस तरीके से यूज़र नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम अपना, जो भी आपका यूज़र नेम हो वो बिल्कुल सही यूज़र नेम लिखिएगा, यूज़र नेम गलत नहीं लिखना है आपको ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है और उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ऑल करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका फोटो है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है इसका आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना है और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर हेल्प वाला जो ऑप्शन मिलता है इसमें आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है और फिर से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे इस तरीके से हमें ये मैसेज डाल देना है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया ठीक है। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर हमारा यूज़र नेम हो चुका है और यहाँ पर हमारा पोस्ट का लिंक हो चुका है ठीक है। इस तरीके से डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइंड के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों 24 से 48 घंटे में आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सही होता है तो आप दोबारा से रिपोर्ट कर दीजिएगा तो आपका इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इंस्टाग्राम की जो टीम है वो सही करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और दोस्तों अगर ये प्रोसेस से आपका सही हो जाए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।